स्वागत है आपका जे जे एन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के लक्ष्मी शिशु मंदिर में है। मैं आपको बता दूं, आज यहां पर दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में यहां पर राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा यहां से रैली निकाली जा रही है। तो आइए सेविका के सदस्यों समिति के सदस्यों से बात करते हैं और देखते हैं कहाँ से कहाँ तक रैली जो है वो जा रही है। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम नीमा अग्रवाल है। मैं क्षेत्र कार्रवाई का हूँ राष्ट्रीय सेविका समिति की। क्षेत्र में तीन प्रांत आते हैं, उत्तराखंड प्रांत, मेरठ प्रांत, ब्रज प्रांत। हल्द्वानी मेरा निवास स्थान है। अब आप बताइए, आज जिस प्रकार से आप यहाँ पर रैली निकाल रही है, कितने साल हो गए इस रैली को? हमारी रैली को कई साल हो गए हैं। राष्ट्रीय सेविका समिति का स्थापना वर्ष होता है विजयदशमी के दिन, तो उस स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में हम ये रैली निकालते हैं। इसको रैली नहीं कहते हैं, हम लोग पथ संचलन बोलते हैं, जो घोष के साथ में निकलता है समाज को संदेश देने के लिए और एक महिलाओं में स्फूर्ति जागृति पैदा करने के लिए, एक उत्साहवर्धन के लिए समाज को संदेश जाता है और इस हम स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में इसको निकालते हैं। ये रैली जो है वो कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? ये यहाँ से निकलते हुए प्रेम टॉकी से होते हुए मैकेनिक रोड, रेलवे बाजार, मीरा मार्ग होते हुए सिंधी चौराहा होते हुए यहीं पर वापस आएगी। वंदे मातरम के बाद इसका समापन होगा। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? अलका जीना हूँ। मैं जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। जिस तरीके से आज ये पदयात्रा निकाली जा रही है, कहाँ से कहाँ तक निकाली जा रही है? ये हमारा राष्ट्रीय सेविका समिति का पथ संचलन है, जो शरदी नवरात्रि में हमारे सप्तमी के दिन निकाला जाता है, जो यहाँ लक्ष्मी शिशु मंदिर होते हुए पूरे मार्केट होते हुए अंदर प्रेम पिक्चर हॉल से होते हुए रोडवे स्टेशन पटेल चौक होते हुए सिंधी चौराहे होते हुए दोबारा यहीं पर वापस आएंगे। और इसकी तैयारियाँ कब से चल रही हैं? इसकी तैयारियाँ काफ़ी पहले से चलती हैं, क्योंकि सभी को पता है कि पथ संचलन है। हम लोगों को इंतज़ार भी रहता है पथ संचलन का, कि हमारे राष्ट्रीय सेविका समिति का ये कार्यक्रम होगा। कर हेलो। हाय। आपका नाम? यशिका भंडारी। और आपका? दीपशिका तिवारी। जिस तरीके से आज यहाँ पर पदयात्रा निकाली जा रही है, कितने सालों से निकाली जा रही है ये? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मतलब हर साल निकाली जाती है विजयदशमी के उपलक्ष्य पर। आज आप क्या बन रखी हैं? मैं रानी लक्ष्मीबाई। और आप? भारत माता। हेलो। हेलो। आपका नाम? मेरा नाम डिंपल है और मैं बिंदु खत्ता से आई हूँ। आज इस तरीके से ये पदयात्रा निकाली जा रही है, आप कितनी एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा, और इसके लिए हम अभ्यास भी करते हैं, और मतलब इसका जो मेनली इसका जो बैंड होता है जिसे आरएस मतलब घोष के नाम से जाना जाता है, तो उसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। और ये साल में एक ही बार मनाया जाता है, मतलब हर साल मनाया जाता है, तो मतलब काफ़ी एक्साइटेड है। हेलो। नॉर्मली बात करें। हेलो। हेलो। आपका नाम? मेरा नाम दीपिका जोशी है, मैं हरिस्वा हायर सेकेंडरी स्कूल से आई हूँ। अच्छा, आज ये जो पदयात्रा निकाली जा रही है, इसकी तैयारी आप लोग कब से कर रहे थे? हम एक दो हफ्ता पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं, और हम आज पहली बार आ रखे हैं इस रैली में। हेलो। हाय। आपका नाम? कोमल। आज इस तरीके से पदयात्रा निकाली जा रही है, इतनी गर्मी हो रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है वैसे तो। धूप लग रही है? धूप भी बहुत लग रही है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो रैली है वो शुरू हो चुकी है और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है, और आप भी देखिए किस तरीके से ये पूरी रैली निकल रही है। I'm going to go to the hospital.
हैं कब जाओगे? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी पल्लवी के साथ किरण जे जे एन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।